जय हिंद इंकलाब जिंदाबाद। आई एम जीजी के डब्ल्यूएच गौरव एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी सुबह सुबह समय है और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, सब कुछ हम आप लोग दिखाएंगे इस वीडियो में। चलिए अभी हम चलते हैं मेरे बाबा को मोटरसाइकिल लेकर अपने मंजिल की ओर। घर से निकलने के बाद हम लोग गाँव का नियस्ट मोड़ में आ गए हैं, पेट्रोल पम्प में। और पेट्रोल पम्प में तेल भरवा लेते हैं। 2 से 5 टका दिन दर उसके बाद फिर अपने मंजिल की ओर जाएंगे। अब हम आ गए हैं कलियासूर। कलियासूर के बीच मोड़ में अभी खड़े हैं और कुछ इस तरह का नज़ारा है कलियासूर बीच मोड़ का। और इस जगह को कलियासूर कहते हैं और यहाँ का नज़ारा हम पहले भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाए हैं। और आज है हम लोग का घर में लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा में पूजा का सब तैयारी हो रहा है, तो नाश्ता नहीं किए थे घर में, तो सोच रहे कि यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। सुनना कचौड़ी दान। हाँ, नाश्ता में कचौड़ी ले लिए हैं, कचौड़ी खा लेते हैं। हम अपने मंजिल पहुँच चुके हैं और अभी हम आए हुए हैं किरकुंडा। किरकुंडा के मोड़ में अभी हम हैं और एक सर से मिलना है, तो वो सर अभी आ रहे हैं किरकुंडा मोड़ ही। वो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, बराकर में, तो आने दीजिए उनको, सब मिलेंगे फिर अपना घर जाएंगे। और ये है कुछ नज़ारा हम लोग का किरकुंडा का मोड़ का, कुछ इस तरह का है। यहाँ पर बहुत ही गाड़ी रखा हुआ है, पार्किंग है, कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, सब कुछ। और कुछ इस तरह का है नज़ारा, जैसे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहले भी दिखाए हैं किरकुंडा का मोड़ किस तरह का नज़ारा है। माई अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोग में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। और जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, जिसमें डांस कराटे का वीडियो है। जो सर से हमको मिलना था मिल लिए हैं और अब हम घर की ओर जा रहे हैं। लेकिन घर जाते जाते जस्ट गाड़ी को आगे बढ़ाए तो यहाँ पर देखे भुंजा मोड़ है, गोकुल नमकीन स्टोर। यहाँ पर सोच रहे कि झाल चनाचूर ले लेते हैं, अच्छा रहेगा खाने के लिए। झाल चनाचूर कितना मिक्सचर? 180 रुपये किलो। दे दीजिए। किरकुंडा से निकलने के बाद हम फिर से आ गए हैं कलियासूर। कलियासूर में जाते समय वहाँ पर नाश्ता किए थे और अब हम इस मिष्टान्न भंडार में और मिष्टी महल में आ गए हैं पनीर लेने के लिए। पनीर ले लेते हैं। पनीर ऐसे 250 दिन हाँ जी, रसमलाई मिट्टी महल में पनीर ले लिए हैं और मेरे बाबा का मोटरसाइकिल यहीं पर अभी खड़ा किए हैं। अभी जा रहे हैं कपड़ा दुकान में, सोच रहे रेनकोट ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि बरसात का दिन आ रहा है, रेनकोट का काम पड़ेगा ही। अगर आप लोग में से किसी को मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर मेरा शॉर्ट डांस एंड कराटे का वीडियो देखना है तो जाकर इंस्टाग्राम आईडी पर मेरा शॉर्ट डांस एंड कराटे का वीडियो देख सकते हैं। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। रेनकोट ऐसे देखा हम साइज रहे हैं ऐसे ना, पेंट देखे ना, पेंट ठीक है। कत बोल लीटर ये वाला रेनकोट पसंद आया हमको, ये वाला रेनकोट ले लिए हैं और अब चलते हैं घर। घर हम आ गए हैं और अभी मेरे बाबा के मोटरसाइकिल को बाहर में रखे हुए हैं। अभी और कहीं जाना है तो कहाँ जाएंगे देखते रहिए वीडियो पर। और अभी हेलमेट और पनीर लिए जो दुकान में वो रख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। इसीलिए अभी हम घर आए, नहीं तो किरकुंडा से सीधे जहाँ हमको जाना है फिर से वहीं चले जाते हैं। हेलमेट और पनीर को घर में रख दिए और थोड़ा सा बैठ कर पानी वानी पी लिए, अब जा रहे फिर से कहीं और, तो कहाँ जा रहे देखते रहिए वीडियो पर। घर से निकलने के बाद अभी हम आ गए हैं सुंदरी और सुंदरी में आए हुए हैं इडली दुकान में। यहाँ पर इडली खा लेते हैं, यहाँ बहुत ही बढ़िया इडली बनाता है। यहाँ नाश्ता कर लेते फिर से एक बार, तो कलियासूर में किरकुंडा जाते थे कलियासूर में नाश्ता किए थे और एक बार यहाँ पर सुंदरी में भी कर लेते हैं। नाश्ता के लिए इडली ले लिए हैं, नाश्ता कर लेते हैं और
अभी हम बाहर में बैठे हुए हैं होटल का बाहर में, और ये है अंदर। अंदर बैठे नहीं, बाहर ही में अच्छा है। खुला मिलने में खाने में एक अलग ही अंदाजा लगता है, मज़ा लगता है। अब हम आ गए हैं मेरी माँ को लेने के लिए सिंदरी, मेरी मौसी घर। और यहाँ पर मेरे बाबा मोटरसाइकिल खड़ा कर चुके हैं बाहर में, क्योंकि अभी ही जाएंगे जस्ट। मौसा जी के घर में बैठ लिए, थोड़ा सा आराम कर लिए, और अब माँ भी रेडी हो चुकी है, जा रहे हैं अब माँ को लेके घर। आशी गो। ये जो मेरे आगे हाईवा ट्रक जा रहा है, इसमें है मेटल, मतलब उड़ीसा का जो मेटल रहता है, पत्थर से लोहा बनाया जाता है, वही वाले मेटल से। और यहाँ देखिए हम लोग का स्कूल। हम और मेरी माँ दोनों मौसी घर से घर आ गए हैं। अब शाम हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं हम लोग का गांव का नियरेस्ट मार्केट। और मार्केट जाते जाते ले जा रहे हैं हम लोग का घर का फैन का एक मोटर, जो कि फैन दुकान में रिपेयरिंग करने के लिए दे देंगे। ताकि माँ दफ आ गया हम लोग गांव का नियरेस्ट मोड़ में फैन दुकान में, और यहाँ पर फैन का मोटर को दे देते हैं रिपेयरिंग करने के लिए। फिर जाएंगे हम लोग गांव का नियरेस्ट मार्केट। ला तो देखो ना मोटर बैठे फैन। मिस्त्री देख रहा फैन का मोटर्स को खोल कर कि क्या प्रॉब्लम हुआ है फैन का मोटर्स में। और जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। दो तीन दिन से सोच रहे थे कि हम लोग गाँव का नियरेस्ट मार्केट जाएंगे शाम के समय, लेकिन शाम के समय हर रोज़ दो तीन दिन से पानी गिर ही रहा है, और आज पानी नहीं गिरा है, बारिश नहीं हो रहा है। तो आज हम जा रहे हैं हम लोग गांव का नियरेस्ट मार्केट, और अभी जा रहे हैं मेरा साइकिल से। तो चलिए अभी मार्केट में कहाँ जाएंगे क्या करेंगे देखने को मिलेगा इस वीडियो में। आ गए हम लोग गांव का नियरेस्ट मार्केट में, और भाई भी आया, और बात यह है कि भाई आया था काम से भी आया हुआ, हमसे मिलने आया बहुत दिन बाद। मतलब मोड़ में हम दोनों भेटा रहे हैं, आज से लग रहा है 1.5 साल से 2 साल हो गया लगे ना, इसके बाद बैठा रहे हैं ऐसे फ़ोन में होता था बात। उसके बाद तो मेरे बाबा डेथ करके उससे मान नहीं पाए थे। और बात यह है कि जिस दिन बुआ घर गए थे, उस दिन हम घड़ी भूल गए थे बुआ घर में, वो भी लेके आया मेरे लिए। इसलिए अभी क्या क्या करेंगे सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, आप लोग हम दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। चलिए अभी सर आ रहे हैं, उनसे थोड़ा मिल लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। और जिस सर से मिलना है वो सर भी आ गए हैं यहाँ पर अपना मोटरसाइकिल लेकर। क्या कौन खोज खबर है नहीं, पूरा घुच्छो फिच्छो राची ताची यदि के पाछे से घुजे दीछो किसे के मानसो ने। हाँ जी बोल ले हेमंत सर तो हंस ना हो ना, कि हंस में आओ तो हंस आ जाओ कि ना हंसते ना। 40 दिन हैं गलो 40 दिन हैं गलो बोल छे हमका हम ओबीजीत आछे ना हमार के बोल जे बचे तार ने परसो जाबे। हां आछे 26 तारीख काले तो। हां काल काले আমাকে হেমলাল বললো বলছি কালিও যাবো, বলছি যাবো কি না কে ঢাড়ান দিবে নাকি পুলিশ পুলিশ। হ্যাঁ বহু দিন বাদ স্যার সে মিল রে হ্যাঁ আর বাত হ্যাঁ শীতলপুর হাই স্কুল জব স্কুল টিচার মে জব করতে থে তখন স্যার ওয়া পর ফ্রি শিক্ষা দিত না ফ্রি শিক্ষা দিতে থে মতলব হাই স্কুল মিডিল হ্যাঁ তো ও মিডিল স্কুল হাই স্কুল সে আয়া থা কি জো জো मतलब फ्री शिक्षा दे सकते। तो सर वहाँ पर टीचिंग करते थे फ्री में, और हम लोग जॉब था। लेकिन अभी तो हम जैसे हैं वैसे सर भी हो गए हैं कि हम रिजाइन दे दिए गवर्नमेंट हाई स्कूल, तभी हम बेकार हो गए हैं। तो चलिए शिक्षा अभियान से थे। हाँ सर लोग थे तो फ्री में शिक्षा देते थे, और हम स्पोर्ट्स में थे तो सभी लड़की को मतलब कराटे का प्रशिक्षण दे रहे थे। चलिए अभी बातचीत कर लेते, बहुत दिन से मिले नहीं है, मिले तो बातचीत कर लेते। उसके बाद आ गए हैं चाट दुकान में, और बहुत दिन बाद चाट दुकान में आए हैं अंकल जी लोग के पास। और अभी यहाँ पर लिट्टी छान रहे हैं, और या देखिए इसका तो मुंह चल रहा है, और हम भी ले लिए हैं, हम भी मुंह चला लेते हैं। उसके बाद भाई घर चला गया, और इस राशन दुकान में गड़ी ले लेते हैं जो नारियल सूखा वाला मिलता है वो वाला। बोले गड़ी अच्छे न के दिन दे तो देते। मार्केट से हम घर आ गए हैं। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और जो जो न्यू है इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम। जय जवान जय किसान।